देश भर में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,12,000 के पार पहुंच गई है, जबकि अब तक 3,435 लोग कोरोना की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। हालांकि अब तक 45,300 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं महानगरों में कोविड-19 के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं। लगातार कोरोना वायरस का कहर देश में बढ़ता जा रहा है। अब तक 3,435 लोग कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारी संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी प्रीत, देखिए लगातार इजाफा होता जा रहा है संख्या में, फिलहाल क्या अपडेट, किस प्रकार से इलाज उनका किया जा रहा है? देखिए मनीषा, पिछले 24 घंटे में जो डेथ हुई है, 132 लोगों की डेथ हो चुकी है, 5,609 नए मामले सामने आ चुके हैं जी। ऐसे में सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं जी। हालांकि इस बीच में ये भी कहा जा रहा है कि जो पेशेंट जो डेथ रेट है वो भारत में बेहद कम है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। पीक समय जरूर है कि मई और जून इंडिया के लिए पीक समय है, ज्यादा से ज्यादा मामले सामने आएंगे, लेकिन क्योंकि डेथ रेट कम है इसलिए लगातार देश भर के सभी राज्यों में लॉकडाउन में कहीं ना कहीं रिलीफ दिया जा रहा है। यही वजह है कि आज से जो ट्रेन से उनकी बुकिंग भी स्टार्ट कर दी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अब से 2,90,510 लोग जो अपने टिकट बुक करा चुके हैं अलग अलग पैसेंजर ट्रेनों में, लगभग 63 पैसेंजर ट्रेनों में ये टिकट बुक हुई है जी। बिल्कुल प्रिय, देखिए डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सजग रहकर फिलहाल लोगों को हर काम करना होगा, क्योंकि सभी दफ्तर भी खुल गए हैं तो लोग अपने दफ्तर भी जा रहे हैं। ऐसे में डर भले ही ना हो, लेकिन सचेत और सजगता यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, सजगता के साथ निकल रहे हैं। निजी और तमाम ऑफिसेज हैं वो खोल दिए गए हैं, सरकारी ऑफिसेज वो खोल दिए गए हैं। ऐसे में लोगों को अब जरूरी काम के लिए जो आर्थिक हालात पिछले दिनों उसकी पट्टी रुक गई थी, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से दुरुस्त करने की जरूरत है। लोग अपने काम पे लौट रहे हैं, दुकानें खुल गई हैं, मार्केट भी लगभग खुल गई है। ऐसे में अब जरूरी जो काम है उनके अलावा तमाम वो काम भी करने होंगे जिनकी जरूरत है आगे अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन सजगता के साथ तमाम एहतियात बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से लगातार नए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। मनीषा बिल्कुल, प्रीत किरण तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है।